किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो, यही सफलता की कुंजी है। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। हम भले ही पुराने सड़े घाव को स्वर्ण से ढककर रखने की चेष्टा करें, एक दिन ऐसा आएगा जब वह स्वर्ण वस्त्र खिसक जाएगा और वह घाव अत्यंत विभत्स रूप से आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। उठो मेरे सिरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। जिंदगी बहुत छोटी है, दुनिया में किसी भी चीज का घमंड अस्थाई है, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सब जीवित से अधिक मृत हैं। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्वाण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छाएं ही समस्त दुखों का मूल है। लगातार पवित्र विचार करते रहें, बुरे संस्कारों को दबाने के लिए एकमात्र समाधान यही है। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, तुम तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम ए ओ नहीं कर सकते हो। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुने हैं। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना, स्वयं पर विश्वास करो। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोष नहीं है। जो तुम सोचोगे वो हो जाएगा। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो, तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो, तुम ताकतवर हो जाओगे। विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता, वो भयभीत हो उठते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं। सुख जब मनुष्य के पास आता है, दुख का मुकुट पहन कर आता है। पवित्रता, धैर्य तथा प्रयत्न के द्वारा सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महान कार्य सभी धीरे धीरे होते हैं। हम जो बीते हैं, बोते हैं, वो काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हवा बह रही है, वो जहाज जिनके पाल खुले हैं इससे टकराते हैं और अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं, पर जिनके पाल बंधे हैं हवा को नहीं पकड़ पाते हैं। क्या यह हवा की गलती है? हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता, वो भयभीत हो उठते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है। सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं। सुख जब मनुष्य के पास आता है, दुख का मुकुट पहन कर आता है। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है, इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है, वह जो स्वार्थी है मर रहा है। इसलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है। वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करो। यह निर्भरता ही जो लक्ष्य क्षण भर में परम आनंद देगी। स्वतंत्र होने का साहस करो,
जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहाँ तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग से ज्यादा निकट होगे बजाय गीता के अध्ययन करने से। आज्ञा देने की क्षमता प्राप्त करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा का पालन करना सीखना चाहिए। जिस क्षण मैंने यह जान लिया था कि भगवान हर एक मानव शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, जिस क्षण मैं हर व्यक्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा हो गया और भीतर भगवान को देखने लगा, उसी क्षण मैं बंधनों से मुक्त हूं। हर वो चीज जो बांधती है नष्ट हो गई है। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसके उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें और साथ ही साथ उस आदर्श के सत्य को जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। कामनाएं समुद्र की भांति अतृप्त हैं, पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता।